आप लोगों को अपने चैनल बंटोनीस में बैठक में आज अपने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन दूर करना है वो मेरा वीडियो पूरा देखें, आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल दूर होगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। जो लोग लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन सफर कर रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के लिए आप क्या करें क्या ना करें, तो कॉन्स्टिपेशन क्यों बताएं। कॉन्स्टिपेशन होने का मेनली कारण है ज़्यादा ऑयली फूड खाना, फास्ट फूड खाना, फिजिकल वर्क नहीं कर पाना, ये सब कुछ मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन से बहुत जो लोग जल्दी से जेट हो जाते हैं उनका कॉन्स्टिपेशन जल्दी लीक करता है, नहीं तो फिर लोगों का कॉन्स्टिपेशन उन्हें लंबा चलता है और उसके बाद फाइल से मिलता है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं हो रहा है तो मेरा वीडियो को पूरा देखें एक बार आप लोगों को बता रहा। तो पहले तो आप ये जो चीज़ खा रहे हैं उसे छोड़ दें, और जब हम आप लोगों को मेडिसिन बता रहे हैं उसके साथ एक चीज़ आप लोगों को जरूर बतलाएंगे। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो उस दौरान कोई दूसरा मेडिसिन ना खाएं, कुछ इमरजेंसी हो तब तक खाना जरूरी है। लेकिन जो मेडिसिन आप लोगों को बताएंगे अगर उस मेडिसिन को खाते हैं, हाँ वहाँ विश्वास होना चाहिए कि मेडिसिन हम खाएंगे तो ठीक है, कुछ और कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ और मन में डाउट है तो नज़दीक के फिजिशियन से बात करके मेडिसिन को खाएं। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो फिजिकल वर्क आप रेगुलर करें, खाना टाइम पर खाएँ, बॉयली फूड को अवॉइड करें, फास्ट फूड को छोड़ दें। कुछ दिन आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन में हम मेनली देखिए सिम्टम वाइज होम्योपैथिक मेडिसिन जो भी है सिम्टम पर मेडिसिन मिल जाए, जो भी सिम्टम कॉन्स्टिपेशन के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन। और अगर आप एक कुशल फिजिशियन के पास जाते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन तुरंत ठीक हो जाता है। तो हम वीडियो के माध्यम से जो मेडिसिन बता रहे हैं उसे भी आप जानें, और कुछ डाउट है तो अपने नज़दीकी फिजिशियन से बात करके उस मेडिसिन को यूज करें, और नहीं तो कमेंट के माध्यम से बात करके उस मेडिसिन को यूज करें। कार्बोवेज मेडिसिन 200 पाउंड में देंगे सुबह शाम 4 घंटे, उसके साथ दूसरी मेडिसिन चलिए इसी आप गुनगुने पानी के साथ 12 मिनट सुबह और 12 मिनट शाम। तीसरी मेडिसिन है नक्स, उसे आप 200 पाउंड में ले लें और रात में तीन मेडिसिन आप बिल्कुल खा सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देगा। ऐसे तो कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे ब्रानिया सिम्टम पर जैसे ब्रानिया पर मेरा वीडियो बनाया हुआ, ओपीएम पर मेरा वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो को देखते हैं वैसा अगर सिम्टम मिलता है तब उस आप मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम दिन आप यूज करें आपको कॉन्स्टिपेशन में जरूर रिलीफ पाएगा। अगर कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ आता है तो कुछ भी मेडिसिन को और खा लें। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल डॉक्टर रजनीश होम्योपैथी को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।